चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। मेरठ जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर सरधना तहसील क्षेत्र में सरधना से पश्चिम में 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है हर्रा। हर्रा को 2018 में उच्चीकृत करके नगर पंचायत घोषित किया गया था। इससे पूर्व यह मेरठ जिले का दूसरा सबसे बड़ा गांव होने का गौरव रखता था। हर्रा में वर्तमान में 20,700 की विशालकाय जनसंख्या निवास करती है। प्रशासनिक रूप से हर्रा को सरूरपुर थाना क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। यहाँ कानून व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु पुलिस चौकी का निर्माण भी किया गया है। हर्रा में शिक्षा क्षेत्र में पुराने समय से सरधना मार्ग पर चौधरी बशीर खां इंटर कॉलेज एवं चौधरी बशीर खां स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्थापित हैं। हर्रा में निवास करने वाली अधिकांशतः जनसंख्या मुस्लिम राजपूत समाज से जुड़ी हुई है। नगर पंचायत घोषित होने के बाद हर्रा में तेजी से विकास कार्य हुए हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में पांडव लाक्षाग्रह बरनावा की ओर जाते हुए हर्रा से गुजरे थे। हर्रा से सरधना, मेरठ, बड़ौत इत्यादि प्रमुख शहरों के लिए सीधी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। हर्रा में कस्बानुमा बाजार स्थापित है, जहां दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं। हर्रा कस्बे को कैमरे में कैद करने का अनुभव एवं यहां के लोगों से हुई मुलाकात बेहद शानदार रही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। हर्रा कस्बे का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ शेयर करें जो हर्रा एवं इसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर लें। नई नई जादुई ट्रिक सीखने के लिए मशहूर जादूगर सम्राट वर्मा के चैनल सम्राट वर्मा को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।